द्वितीय वर्ष संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र में हम उपनासोपदेश देख रहे हैं और गुरु के उपदेश की महिमा हम पढ़ रहे हैं। देखिए पंक्ति है, हरति च सकलम अति मलिनम अप्यंधकारमिव दोष जातम प्रदोष समय निशाकर इव गुरूपदेश। इसमें प्रथमांत है गुरूपदेश, गुरु का उपदेश क्या करता है, तो देखिए क्या कहा, हरति च सकलम अति मलिनम अपि अंधकारमिव दोष जातम, हरति च सकलम दोष जातम गुरूपदेश। गुरु का उपदेश हमारे समस्त दोष जात यानी दोष समूह, समस्त दोषों के समूहों को गुरु का उपदेश हरति दूरी करो, ये मुख्य वाक्य है। हरति च सकलम दोष जातम, गुरु उपदेश। अब इसमें तुलना किससे की, कहा अति मलिनम अपि अंधकारमिव, अति मलिनम अत्यधिक मलिन अत्यधिक गहन ही, अति मलिनम अपि अंधकारम इव, अत्यंत मलिन भी अंधकार को प्रदोष समय निशाकर इव, प्रदोष कालीन निशाकर रजनीकर चंद्रमा का पर्यायवाची, जैसे चंद्रमा रात्रि कालीन प्रदोष में से सायंकाल होता है, प्रदोष कालीन रात्रि कालीन अंधकार को दूर कर देता है, वैसे ही गुरु का उपदेश अत्यंत मलिन दोषों को दूर कर देता है। अब प्रस्तुत वाक्य में गुरु के उपदेश की उपमा सायंकालीन चंद्रमा से दी गई, चंद्रमा भी अति मलिन अंधकार दूरी करोति और गुरु उपदेश अपि दोष जातम हरति दूरी करोति, और नितांत कलुषित जो काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि दोषों का समूह है उसकी उपमा अति मलिन अंधकार से दी, जैसे चंद्रमा अति मलिन गाढ़े अंधकार को दूर कर देता है, वैसे गुरु का उपदेश अत्यंत कलुषित काम क्रोध मोह मद लोभ इत्यादि को दूर कर देता है। फिर कहा प्रशम हेतुर्वय परिणाम इव फलित रूपे शिरसिज जालम अमली कुर्वन गुण रूपेण तदेव परिणमयत। बहुत अच्छी एक प्रत्येक पंक्ति सुखनासोपदेश की बहुत ही अच्छी है, इसी से किसी कवि की उत्कृष्टता का परिचय मिलता है। देखिए कितनी अच्छी बात कही कि प्रशम हेतु वयह परिणाम, प्रशम हेतु, प्रशम शांति, हेतु मतलब का शांति के कारण भूत वयह परिणाम, वय कहते हैं अवस्था आयु को उम्र को, और उसका परिणाम मतलब अंतिम पड़ाव आयु का अंतिम चरण वयह परिणाम वृद्धावस्था, तो प्रशम हेतु वयह परिणाम इव
जैसे वृद्धावस्था में वह परिणाम होने पर वृद्धावस्था में प्रसन्न हो जाता है मनुष्य का चित्त, इंद्रियां शांत हो जाती है, अशक्त भी हो जाती है और इस कारण से शांत भी हो जाती है। तो वह परिणाम इव वृद्धावस्था की भांति, जो वृद्धावस्था इंद्रियों के शमन का हेतु है, उसकी भांति पलित रूपेण, पलित रूपेण, पलित कहते हैं श्वेत केश राशि, पलित रूप, पलित रूपेण शिरसिज जालम, शिरसि जायते इति शिरसिजम केश, और जाल मतलब समूह, केश समूह, शिरसिज जालम अमली कुरुवन। वृद्धावस्था में क्या होता है, हमारे सिर के केश श्वेत हो जाते, सफेद हो जाते, उसकी जो कालिमा हटी, तो बाणभट्ट ये उत्प्रेक्षा करते हैं कि मानो कालुष्य था जो हट गया, वृद्धावस्था ने उनको पलित रूप से यानी कि श्वेत रूप जब प्रदान कर दिया केशों को, तो मानो अमली कुर्वन, उसके मल को दूर कर दिया, मल सहितम मल रहितम करोति इति अमलीकरोत, जो मल सहित था, मैल वाला था, उसको मैल रहित कर दिया, तो वो अमली कुर्वन। और गुण रूपेण तदेव परिणमयते, उन्हीं कृष्ण वर्ण के केशों को श्वेत वर्ण में परिणमयते, परिवर्तयते, परिवर्तित कर देता है, कर देती है वृद्धावस्था, तो उनको मानो दोष से गुण में परिवर्तित कर दिया, ऐसी उत्प्रेक्षा की है। जैसे वृद्धावस्था कृष्ण वर्ण के केशों को श्वेत वर्ण का कर देती है, यानी उसके मैल निकालकर उसे गुण रूप में बदल देती है, उसी प्रकार गुरु का उपदेश मनुष्य के समस्त दोष समूहों को दूर कर देता। इस परिच्छेद का अर्थ देखो दोनों पंक्तियों का, और गुरु का उपदेश अत्यंत मलिन दोषों को ऐसे हटा देता है जैसे प्रदोष कालीन चंद्रमा अंधकार को हटा देता है। अंतःकरण की शांति का मूल कारण गुरु का उपदेश उस दोष समूह को ही गुणों में परिवर्तित कर देता है जैसे वृद्धावस्था केश समूह को श्वेत करती हुई उन्हीं केशों को श्वेत रूप में परिणत कर देती है। शम का अर्थ शांति, प्रशम का अर्थ हुआ अत्यधिक शांति। शांति के प्रकर्ष को यानी इंद्रियों की शिथिलता हो जाती है, वार्धक्य एक अवस्था विशेष है, धातु क्षीण हो जाती है, शरीर की शक्ति कम हो जाती है, इंद्रियों और मन के व्यापार भी शिथिल हो जाते हैं। उसी प्रकार गुरु का उपदेश अज्ञान को दूर कर हमारे अंदर विवेक ज्ञान को उत्पन्न कर देता है और हमारा मन सांसारिक भावों से विरत हो जाता है और सन्मार्ग पर चलने लगता है। तो ये इस परिच्छेद का अर्थ है। वार्धक्य पहले से विद्यमान बालों के कालेपन को ही धवलता में परिवर्तित कर देता है, वैसे ही मनुष्य के अंदर जो दुर्गुण थे उन दुर्गुणों को गुरु का उपदेश सद्गुणों में परिवर्तित, सद्गुणों में परिवर्तित कर देता है। अब आप देखिए फिर कहते हैं
अयमेव च अनास्वादित विषय रसस्य ते कालः उपदेशस्य। अयमेव ते कालः उपदेशस्य, यही तुम्हारे उपदेश का समय है। और ते यानी तुम, तुम्हारे लिए, तुम कैसे हो? अनास्वादित विषय षष्ठी, न आस्वादितम विषयाणाम रसः ये तादृशः तस्। जिसने अभी तक विषय रसों को नहीं चखा है, विषय रस में पूर्व में बता चुका हूँ, जो काम ये अपने जो पंच शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये विषय, और इनमें हमारी पांचों इंद्रियां प्रवृत्त होती है, ये है विषय। इन विषयों का आस्वादन युवावस्था में विशेष सुख प्रदान करता है। जैसे उस दिन आपने पढ़ा था पीछे कि जैसे कोई कसेली वस्तु खाने के बाद जल का स्वाद मीठा लगने लगता है, उसी प्रकार ये विषय स्वरूप जो भी पदार्थ है, ये आस्वाद्यमान होते हुए आस्वादन किए जाने पर पहले से अधिक रुचिकर प्रतीत होने लगते हैं। तो ये तुम्हारे लिए उपदेश का सबसे उपयुक्त समय है, क्योंकि तुमने अभी विषय रसों का आस्वादन।